नमस्ते दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्नो वर्ल्ड में। दोस्तों, आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक करें। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ईवीएम क्या है। शायद आप में बहुत से लोगों ने ईवीएम का इस्तेमाल भी किया होगा वोट देने के लिए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर असल में ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या है और ये काम कैसे करता है? यदि आपको इन सवालों के जवाब मालूम नहीं है, तब आपको आज का यह वीडियो जरूर से बहुत रोचक लगने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज हम मतदान वोटिंग मशीन के विषय में और इससे जुड़ी सभी चीजों को अच्छे तरीके से समझेंगे। ईवीएम को लेकर हमेशा कोई न कोई खबर अखबार में जरूर से होती ही है। वैसे तो ये बहुत ही काम की चीज है, लेकिन इसकी सिक्योरिटी को लेकर कई पॉलिटिकल पार्टीज ने कई बार सवाल उठाया है, जिसके चलते ये बहुत ही आवश्यक हो गया है कि हमें भी इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की थोड़ी बहुत जानकारी हो। इससे हमें इस समझने में और इसके काम करने के तरीके को जानने में बहुत आसानी होगी। वही बहुतों ने इसके ऊपर सवाल उठाए हैं, इसलिए आज मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन क्या होता है और इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है के विषय में पूरी जानकारी प्रदान की जाए, जिससे आपको इसे बेहतर रूप से समझने में आसानी होगी। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। यह एक ऐसा मशीन होता है जिससे कि कोई मतदाता अपना मत किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दे सकता है। इस मशीन में अलग अलग प्रतिनिधियों के लिए सेपरेट बटन्स नियुक्त होते हैं, जिनके ऊपर उस पार्टी का चिन्ह भी होता है, और ये सभी इलेक्ट्रॉनिक बैलेट बॉक्स के साथ केबल के माध्यम से कनेक्टेड होते हैं। अब जानते हैं इनके यूनिट के बारे में। एक ईवीएम में दो यूनिट्स होते हैं, कंट्रोल यूनिट और बैलेटिंग यूनिट। ये दोनों एक दूसरे के साथ एक 5 मीटर केबल के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं। जब एक वोटर कोई बटन को प्रेस करता है जो कि किसी कैंडिडेट का हो, तब ऐसे में मशीन अपने आप को लॉक कर देता है। ऐसे में ईवीएम को ओपन करने के लिए एक नए बैलेट नंबर की ही जरूरत होती है, अन्यथा इसे खोला नहीं जा सकता है। इससे ये बात की सुरीटी होती है कि ईवीएम ये इंश्योर करवाती है कि एक इंसान केवल एक ही बार वोट कर सकता है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इससे जुड़ी जानकारी में कुछ खोट रह गई हो तो हमें माफ करें। कृपया करके देखते रहे हमारा चैनल टेक्नो वर्ल्ड। धन्यवाद।